तो गाइस दीदी और मैं आए यहाँ जब अपनी बुआ के, क्योंकि बुआ ने करवा रखा है क्या दीदी, सुंदरकांड और फिर उसके बाद भंडारा है। भंडारा ठूसूंगा आज मैं बहुत सारा और बटवाऊंगा भी। तो अभी फटाफट से चलते हैं, इस भाई को भी खिलाएंगे अपन भंडारा। और हम लोग बुआ के घर पहुंचने वाले हैं। जोता वाले भैया की जय। जल रखिए अपने पास थाली। ओम गंगे च यमुने गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरोः। ओम पवित्रा पवित्रवा स्रवा संगमोऽभिवा स्फुरतु पुण्डरीकाक्षः भयभ्रंतरा सुधि पुण्डरीकाक्षः पुनातु पुनातु पुण्डरीकाक्षः। आचमन करै ओम गणाधिपतये नमः। सर्वमंगलमांगल्ये दिवे सर्वार्थ साधिके सर्वे चंद्रके गौरी नारायणी नमस्तुते। सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति साम मंगलम् येषां हृदयस्थो भगवान् मंगलाय तनो हरि। तदेव लग्नम् सुदिनं तदेव अक्षत फूल जल हस्ते अक्षत पुष्पाणि गृहीत्वा जलमादाय। कुछ दक्षिणा रख लीजिए संकल्प के लिए, हाथ में एक रुपया रख लीजिए। मन में जो आपके मनोरथ हो, जो सिद्धि करने के लिए आपने भगवान की दरबार लगाया, छवि लगाया है, उसको अपने मन में ध्यान कीजिएगा। प्रभु मैंने अपने बड़ी प्रेम भाव भक्ति से अपने सामर्थ्य के अनुसार आपका दरबार लगाया है। मैं संकल्प करता हूँ, संकल्प के अनुसार आपकी पूजन अर्चन ध्यान करूँगा। आप अपने भक्त के इस पूजन अर्चन को स्वीकार करें, भक्तों की मनोरथ को पूर्ण करें, उनके कष्ट का निवारण करें, उनकी मनोकामना को सिद्ध करें। कामना सिद्ध्यर्थमेतवी यस वृद्धि आयु वृद्धि लक्ष्मी वृद्धि। त्वां गंधर्वाग्नस्त्राम् इन्द्रस्त्वा वृष्भिः त्वा मोघधीः सोमो राजा विद्वान् इक्ष्वादमुच्छेदाः। चले चंदन वगैरह धूप धूप दीप दिखा दीजिए। ढोरे से दरव दरवंतम दरवतम युष्मान द्रवती तम द्रव मंद्रवा का तुलसी पत्ता और प्रसाद मंगा ली, थोड़ा सा प्रसाद मंगा ली। नमक पारे नहीं नमन दिगंबरा कोटि कोटि नमामि शंभो। कोटि नमन दिगंबरा सर्व स्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भवद्राय नव देवी दुर्गे देवी नमस्तुते। या कुन्दर तुसारादवराय यशोदरा। राम राम जी, चलो आपको याद की गली पैदल पैदल आए वहां पे। भगवान विष्णु मंगलम
गरुड़ ध्वज हरि मंगल मंगल शिवे सर्वार्थ साधिके सर्वने अजरा बिहारी हनुमान से ही पर जाकर पुनी के बना तो गाइस अब हम इधर ये प्रसाद पैक करने के लिए आए हैं इन पैकेटों में। फाड़नी नहीं है, खोलनी है। ये आपको 5 मिनट के अंदर खत्म करना है और ये आपने खत्म कर दिया तो आपको बुलेट की बाइक मिलेगी। अब ये अपना खाना खाने के लिए बैठ चुका है। ये एक मेरी भतीजी है और ये मेरा एक भतीजा है, इसका नाम वाशी है और ये मुझे भूल गया था। मैंने पूछा मैं कौन हूँ, मुझे कहते तो अमन को आप अमन के दो आप अमन चाचू के दोस्त हो। मैं भतीजा नहीं हूँ, मैं इनका भाई हूँ। भतीजा इसे खुद को नहीं पता। क्या था मन चाचू के आप भाई हो वो दोस्त हो? मैंने बोला मैं भाई हूँ, इसे इतना भी याद नहीं था मैंने इसको शादी में कितना खिलाया था। और पता नहीं ये हमारे ये पूरी गाड़ी में नमकीन खाती हुई गई थी। और ये तो छोड़ो, अमन और मैं पीछे नमकीन वो चाउमीन खाने गए थे शादी में, ये हमारे पीछे पीछे चाउमीन खाने आ गई थी कि मैं अभी खाऊंगी। ये मारती है ना तुझे? हाँ। बहुत मारती है ना? बहुत। तू नहीं मारता? मैं तो इसको उतना भी ज्यादा मारता हूँ। तू तो पिट रहा है। जब भी मैं साउथ की मूवी देखता हूँ ना मुझे इसकी याद आ जाती है। उसमें एक लड़का था जब ये छोटा था ना सेम उस लड़के की जैसे दिखता था, पतला का पतला। बिगिल मूवी देखो अच्छी है। जाओ आगे आप बात करो। इन दोनों का पंजा लड़ेगा 3 2 1 गो। वाशु दम दे। अरे हार गया भाई, लड़की से हार गया तू। नहीं तो तब भी हार जाएगा। ओए अब आ जाओ, अब देखते हैं, अब ये फाइनल है, इसमें जो जीता वो जीता। 3 2 1 गो। 1 घंटे बाद वाशु हार गया भाई। वाशु बेचारी है, बात खत्म। तू कर इसके साथ एक दम ठीक दिखा। दिख गई भंडारा खाने के लिए आई है ना? सच में आई है भंडारा खाने के लिए आई है। वाशु भंडारा खाने के लिए आया है।
भंडारा खाने के लिए आई है? सच बता, सच बताओ, फिर क्यों आई है? फिर क्यों आई है? क्यों आई है जल्दी बता। इन लोगों को डांट पड़ रही है क्योंकि एक घंटे से ये लोग गायब थे, गाली दे रहे हैं माइक में। बड़ी बुआ माइक पकड़ के गाली दे रही हैं, और एक तो आई और सीधा ऊपर ही भाग गई। ये भी डांट खा रही है, ये भी डांट खा रही है क्योंकि ये लोग बाहर जाके कुछ खा के आई हैं और एक घंटे से गायब थी क्योंकि ये, और ये भी डांट खा रही है। कहाँ गए थे? जैन पे। बहुत बहुत डांट खाओगे, देख लेना। मेरी बुआ खाना पैक कर रही है लोगों के लिए कि वो लोग घर पे ले जाए, घर पे भी खा ले क्योंकि यहाँ पे उनने खा लिया है। भाई सबने खाना खा लिया, तब खाना पैक होके जा रहा है और बुआ करवा रही है खाना पैक। यहाँ पे कर रहे हैं मदद लोग। केक केक देख के मत सोचना कि किसी का बर्थडे है, किसी का भी बर्थडे नहीं है। मन कर रहा था केक कटने का तो इसलिए केक मंगा लिया था केक काटने के लिए, और बस सुंदरकांड था और भंडारा था इसलिए केक काटने का मन कर रहा था तो इसलिए केक मंगा लिया था काटने के लिए। क्या? हाँ, क्योंकि इनका मन कर रहा था केक खाने का और काटने का। पापा के लिए ये मत सोचना, फूफा जी का बर्थडे था, बर्थडे नहीं है ना किसी का भी। बर्थडे नहीं है किसी का भी, किसी का भी बर्थडे नहीं है। वो मुनी में। हाँ एक मिनट को मैं देख। पंखा क्यों बंद कर?